हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:42। हाँ जी, तो आज से मैं अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी, ये रही मैं सुबह सुबह। मैं ऐसी ही हूँ, जो मैं रियल हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई मेकअप करके नहीं आई हूँ, क्योंकि 6:42 हुए थे, आप पीछे देख ही सकते हो। सुबह सुबह बंदा करेगा भी क्या। अच्छा जी, तो फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो मैं डाइट फॉलो करती हूं तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती हूं। तो जी, ये है जीरा वाटर। इसमें है जीरा जो मैंने ओवरनाइट जो है सॉफ्ट करके रखा हुआ था, और ये ना सिर्फ़ एक टेबल स्पून है। ज़्यादा जीरा नहीं लेना हमने, क्योंकि एक टेबल स्पून बहुत होता है और वैसे भी इसकी तासीर जो है ना गर्म होती है। तो इसको ओवरनाइट पानी में रखना है हमने, कांच के गिलास में ही रखना है, किसी और गिलास में नहीं रखना है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया ये, और ये है मेरे चिया सीड्स। इनको मैं पानी में भिगोती हूँ, इनको भी ओवरनाइट सोक करती हूँ, और इनको सब्जा सीड्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जिनको चिया सीड्स नहीं समझ में आता, वो सब्जा सीड्स कह के भी ले सकते हैं। मेरे पास इसकी सिंपल सी पैकेजिंग है, ये वाली। अच्छा जी, ये ना अलग अलग पैकिंग में आते हैं और हर किसी स्टोर से मिल सकते हैं। जो हरियाणा से है वो समझ सकते होंगे कि पंसारी जो होता है उसे ईजिली मिल सकते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। अच्छा जी, ये ना मैं ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ। बादाम ये भी मैं लेती हूँ, ये 5 बादाम मैं लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती। ये मेरे हस्बैंड के भी हैं इनमें और मेरे भी हैं। अच्छा, मैं बनाना शेक के साथ ये चीज़ें लेती हूँ। जो लूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैं लेती हूँ। और सबसे पहली जो मेरी ड्रिंक होती है वो होती है जीरा वाटर। वो कैसे मैं करती हूँ, कैसे लेती हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, जैसे मैं जीरा वाटर लेती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ कि नॉर्मली एक पैन लूँगी, उसमें जो ये जीरा वाटर है, वाटर जो इसका है, ऐसे ही एज इट इज़ इसको इसमें पोर कर दूँगी। और मैं इसको जो है 10 मिनट के लिए बॉईल करती हूँ। जैसे होता भी है कि ये जो जीरा एक्स्ट्रा इसमें रह जाता है गिलास में, वो नहीं निकलता, तो या तो मैं अच्छे से पानी घुमा लेती हूँ यही वाला, या तो फिर मैं स्पून की हेल्प से वो सारा निकाल लेती हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और भाई, कैसे भी करके निकालो, हाथ से निकालो, कैसे भी करके निकालो, निकालना है हमने ये सारा जीरा और इसमें डालना है, और 10 मिनट सिर्फ बॉईल करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी, मीनवाइल मेरा जीरा जो है वो बॉईल हो रहा है, तो मैं इतना अपने कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि जीरा वाटर लेने के बाद मुझे थोड़ा वॉक करना है। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और सबसे पहले मैं अपना वेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो अभी करंट वेट मेरा है भाई 66.75 kg। आई डोंट बिलीव दिस, ये मेरा वेट है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी इतना वेट एक ही बार हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। वो आगे सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या कुछ हुआ था। अच्छा जी, तो मैं वापस किचन में आ गई थी और मैंने साइड में चेक किया कि मम्मा लेकर आई हैं प्लॉट से मेथी। आज बनने वाले मेथी और मूली की रोटी, जो मेरी फेवरेट है। बट मुझे था कि भाई नहीं, अब तो मैं फॉलो कर चुकी हूँ तो डाइट को ही कंटिन्यू रखते हैं। और जी, यहाँ जो जीरा वाटर बॉयल हो चुका था, मैंने अपने फेवरेट मग में निकाल लिया है। इसके बाद इतना सा, सिर्फ इतना सा लेमन मैं इसमें स्क्वीज़ करूँगी, सो दैट मुझे टेस्ट जो है थोड़ा सा अलग आए, क्योंकि मुझे जीरा टेस्ट पसंद नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि किसी को वो पसंद होगा, अनलेस अनटिल ये सब करना पड़े, वेट लॉस करना पड़े। कईयों को पसंद भी हो सकता है, वो चीज़ अलग है। अच्छा जी, तो फिर मैं इसके लिए ये डाल लेती हूँ, स्क्वीज़ कर लेती हूँ इसमें थोड़ा सा लेमन। लेमन के अलावा आप हनी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, जिसकी जैसी पसंद हो वैसा करो, मुझे ये सही लगता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, और इसके बाद मैं अच्छे से इसको ना 5 या 6 मिनट में आराम से पीती हूँ, क्योंकि ये गर्म होता है। गर्म होता है तो सिप सिप करके मैं इसको पीती हूँ, अच्छे से अपना टाइम लेके। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से भाग दौड़ में करती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना तो मन लगा कर करो, वो चीज़ रिजल्ट देती ही देती है। अच्छा जी, ये आराम से पीने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ। वॉक जो मैं करती हूँ स्टार्टिंग में 20 या 30 मिनट्स करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। अच्छा जी, ये ना मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है,
तो ऐसा मत समझना कि मैं बहुत तेज़ वॉक करती हूँ। जब मैं स्टार्ट करती हूँ डाइट करना तो मैं धीरे धीरे करती हूँ और 20-30 मिनट्स मैक्सिमम करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, पूरे दिन की एनर्जी रखनी होती है। हम लिक्विड डाइट पर आ चुके होते हैं तो मुझे पूरे दिन की एनर्जी रखनी होती है, इसलिए मैं 20-30 मिनट्स करती हूँ और फिर 2 दिन के बाद 10 मिनट्स ऐड कर देती हूँ, फिर 2 दिन के बाद 10 मिनट्स ऐड कर देती हूँ। इस तरह मैक्सिमम ना 1 आवर की ही मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती, और मॉर्निंग टू इवनिंग दोनों टाइम करती हूँ सो दैट मुझे बेटर रिजल्ट मिल सके। और जी मैं अपने घर की छत पर ही वॉक करती हूँ, मैं पार्क नहीं जाती, मैं कहीं यू नो रोड पर नहीं जाती, क्योंकि मुझे ये बहुत सेफ लगता है। सुबह सुबह सबसे सेफ जगह होती है अपने घर की छत, जहाँ पर मैं वॉक कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती किसी के साथ की। तो आप अकेले भी कर सकते हो, अगर किसी का साथ है तो बहुत ही बेटर है। अच्छा जी, वॉक मैंने 7:30 बजे की थी तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं यहाँ पर बनाना शेक बनाने के लिए आ चुकी हूँ। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वॉक करते हो तो पसीना आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता स्टार्टिंग में बट फिर भी आपको फ़ील होता है। तो मैं फ़्रेश होने के बाद 10 बजे आराम से अपना बनाना शेक बनाती हूँ और लेती हूँ। अच्छा जी, एक और चीज़ है, अगर पूरा दिन आपको थकावट हो ना तब भी आपको रुकना नहीं है, काम करते रहना है, टहलते रहना है, क्योंकि उसी चीज़ में आपका फ़ायदा है। आपकी कैलोरीज तभी बर्न होंगी अगर आप कंटिन्यूली काम करोगे। तो ऐसा मैं करती रहती हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि बनाना शेक के लिए मैं कितना सा दूध लेती हूँ। ज़्यादा नहीं लेती, बहुत कम सा लेती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 बनाना लिए हैं और ये थोड़ा सा दूध है इसको मिक्स करने के लिए, और जो चिया सीड्स मैंने यू नो सोक करके रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इनका टेस्ट बहुत ख़राब आता है, ये टेस्टलेस ही होते हैं यार, इनका कोई टेस्ट ही नहीं होता, जिस चीज़ में डालोगे वैसा ही टेस्ट हो जाता है। तो जी यहाँ मेरा बन के रेडी हो गया है बनाना शेक। इतना ईजी नहीं होता यार, काम तो करना ही पड़ता है बट ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने ये गिलास लिया, ये आप सब जानते होंगे कोल्ड ड्रिंक के साथ में मिलता है एक गिलास, वो है ये। अच्छा जी, तो इसमें मैंने इसलिए डाला है सो दैट आपको दिख सके कि इसमें चिया सीड्स है, और ये आमंड लिए हैं जो सोक किए हुए थे, और ये थोड़ी सी मट्ठी ली है। मुझे क्या होता है ना, सुबह सुबह नमक की क्रेविंग होती है, पता नहीं आप लोगों को होती है नहीं बट मुझे होती है, तो मुझे कुछ ना कुछ नमक चाहिए, तो जितना हो सके मैं कम लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैं कहती हूँ ना कि भाई मैं आराम से तसल्ली से अपना जो है खाना लेती हूँ, जो भी मैं ड्रिंक करती हूँ इस दौरान, चाहे वो जीरा वाटर हो, चाहे वो यू नो नॉर्मल वाटर हो, कुछ भी हो वेट लॉस के दौरान, मैं बड़े आराम से करती हूँ। तो ऐसे ही जब मैं ब्रेकफास्ट लेकर बैठती हूँ तो आराम से टीवी लगाती हूँ और अपना फेवरेट कुछ भी शो देखती हूँ, मूवी देखती हूँ, और अपना जो है मील इंजॉय करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऐसे मील अपना इंजॉय करते हो ना, तब वो आपके शरीर को लगता है, आपको फ़ायदा देता है। अच्छा जी, आजकल ना बहुत क्रेज़ चल रहा है बिग बॉस का, तो आप लोग मुझे बताइए कौन कौन बिग बॉस देखता है। कुछ लोग ज़रूर बोलते हैं कि भाई स्क्रिप्टेड है, फेक है, टाइम वेस्ट है, बट एंटरटेनमेंट के लिए सही है यार। मैं तो देखती हूँ, मैं हर सीज़न देखती हूँ। प्लीज़ कॉमेंट करना आपका फेवरेट कौन है। और जिस चीज़ का आज मुझे बेसब्री से इंतज़ार है वो है वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। मैं बहुत सब्री से इंतज़ार कर रही हूँ इस चीज़ का, और ज़रूर आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा हमारी एक्साइटमेंट की, यू नो हम कितना एक्साइटेड थे और हैं अभी। सो चलिए आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ ये वेट लॉस जर्नी, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, जो मैं आपको अभी इशारा भी किया है। अच्छा चलिए बैक टू द टॉपिक, और इसके बाद सीधा क्लिप आ रही है 12 बजे की, जिसमें मैंने लिया है फ्रूट, ये है एप्पल जो मैंने लिया है, हाफ फुल एप्पल नहीं लिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आते एप्पल, और घर पे बनाना एप्पल थे तो मैंने ये हाफ लिया। अच्छा जी, तो उसके बाद ये 2:30 बजे की क्लिप है, ये है मेरा लंच, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ लस्सी के लिए। हाँ जी, मैंने फुल एक गिलास जो है वो लस्सी लिया है, क्वांटिटी आप देख ही रहे हो। इसके अलावा मैंने आलू मेथी और जो यू नो गाजर की सब्जी मम्मी ने बनाई थी वो ली थी, और ये चपाती जिसमें मेथी और मूली है वो ली है। अच्छा जी, टमाटर लिए हैं, टमाटर के अलावा आप कुछ भी सैलड ले सकते हो, जिसको जो पसंद है, मुझे टमाटर पसंद आते तो मैंने वो लिया। सो एक चपाती के साथ आप कोई भी सैलेड या सब्जी ले सकते हो, पोर्शन इतना ही रखना। हेलो जी, कैसे हो आप सब, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा चिट चैट कर लूँ आपके साथ इस वेट लॉस जो जर्नी है उसके रिगार्डिंग। अभी जो मेरा करंट वेट है मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, जो है 66.75 आई थिंक, जो मैं याद करवा रही हूँ जितना, तो एकदम मेरे लिए ना शॉकिंग था, क्योंकि मेरा जो वेट है ना वो रहता है ऑलमोस्ट 62-61, बट ये एकदम शॉकिंग था। हो भी सकता है क्योंकि मैंने पूरा लास्ट ईयर कोई डाइटिंग कुछ नहीं किया, और एकदम से जब मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे फील हो रहा था, अब फील कैसे हो रहा था, जो
जो मैं कपड़े पहन रही थी वो मुझे फिट नहीं आ रहे थे। लास्ट ईयर यू वॉन्ट बिलीव, मैंने और मेरी ननन ने, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हमने इतनी शॉपिंग की थी कि क्या बताओ। बट अब जब मैंने विंटर्स के क्लॉथ निकाले तो मैंने वो डाल के देखे, वो मुझे फिट नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगा कि यार मतलब अब तो सीरियस वाली बात आ गई है, अब तो मुझे यू नो देखना ही पड़ेगा कि हुआ क्या है। तो मैंने जैसा आपको बोला कि मैंने देखा कि वेट तो यार इतना हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी दिवाली वगैरह सब कुछ फंक्शन सब खत्म हो चुके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो वेट लॉस की जो मेरी यू नो प्रोसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैं सुबह से शेयर भी कर रही हूँ। मैं एक्चुअल में ऐसा ही करती हूँ, इसके अलावा ऑफ कैमरा कुछ नहीं खाती, जितना मैं जो पोर्शन आपको दिखा रही हूँ मैं वही खाती हूँ। अच्छा हुआ क्या था ना, जब मेरा यू नो पोस्ट डिलीवरी वेट था, जब जिया हुई थी उस टाइम पे जो मेरा वेट, एक तो ना यार ये बैक साइड आवाज़ आ रही है काफ़ी वुड कटिंग की, तो मेरे पड़ोस में ही काम चल रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी को नहीं बोल सकते, सबका हक है काम करने पर, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए वॉल्यूम के साथ। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी, जब पोस्ट डिलीवरी जब मेरा जो वेट था ना जब जिया हुई थी तो वो 68 था, 68 kg, और अभी जो करंट वेट है वो 66.75, ऑलमोस्ट 67 kg। तो मेरे लिए है कि नहीं भाई, इट्स द टाइम, अब मुझे करना ही पड़ेगा जो भी मैं यू नो अपना वेट लॉस जर्नी प्रोसेस करती हूँ। और मेरे पास अभी है 1 month, क्योंकि 20th दिसंबर से लेकर जनवरी 10 तक हमारे पास फंक्शन होते हैं, बर्थडे होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, तो मुझे है कि उसमें मुझे अच्छे अच्छे से कपड़े पहनने हैं, उसके लिए मुझे फिट होना ही पड़ेगा। तो वैसे भी वो सब चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही कि मैं क्या लूंगी, कैसे लूंगी, कहाँ से लूंगी, क्या पहनूंगी, वो सब तो सेलिब्रेशन ब्लॉग सब आपके साथ होंगे। बट एक मुझे ये स्पेसिफिक दिखाना था कि मैं ऐसे वेट लॉस करती हूँ, और बहुतों ने मुझसे पूछा भी था, जो मतलब ऐसे जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि तूने यू नो पोस्ट डिलीवरी जो है इतना अच्छे से वेट इतना जल्दी कैसे कम कर लिया। तो ये जो मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ना, ये वही प्रोसेस है, जेन्युइन है, कुछ भी फेक नहीं है। अच्छा होता क्या है ना कि जैसे मैं सुबह सुबह जीरा वाटर लेती हूँ बॉईल करने के बाद, उसमें थोड़ा सा जो मैंने आपको दिखाया है लेमन लेने के बाद, हो सकता है ना किसी को वो चीज़ सूट ना आए, हो सकता है किसी को जीरे से एलर्जी हो सकता है किसी की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये 101% आपके ऊपर काम करेगा, हो सकता है आपकी बॉडी की कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो वेट लॉस को लेके, तो आप मतलब मेरे को एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी मत समझिएगा, ये मेरी जर्नी है जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी एक और चीज़, मैं ना ही प्रोफेशनली डाइटिशियन हूँ ना न्यूट्रिशियन हूँ, जितना मैंने सीखा है वो मेरे हस्बैंड से सीखा है, उनको थोड़ा सा ना यू नो जिम का और इस चीज़ का थोड़ा सा क्रेज़ है, हालांकि अभी उनकी ड्यूटी जो जॉब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वजह से नहीं हो पा रहा है, चलो वो सेकेंडरी चीज़ है, वो मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। बट जो अभी मैं बता रही हूँ कि जो मैंने उनसे सीखा है और जो जेन्युइनली मेरे ऊपर काम करती हैं चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी आगे जो यू नो मैं इवनिंग स्नैक्स क्या लूँगी, मतलब वो मेरा स्नैक भी होगा, वो मेरा डिनर भी होगा, होगा कि एक शेक होगा पपाया शेक, वो भी आप देख लेना कि कैसे होगा, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। पपाया शेक की जगह मैं कल ऑल्टरनेट हो सकता है कि टर्मरिक जो यू नो मिल्क होता है वो ले लूँ, बट ये सारी चीज़ें शुगर फ्री है, इनमें शुगर होती ही नहीं, मैं कभी शुगर नहीं लेती जब मैं डाइट पे होती हूँ। मैं सिर्फ 1 month डाइट करूँगी और 1 month में ही मुझे 6-7 kg आराम से फर्क पड़ता है, जितना मैं बता रही हूँ उतना फॉलो कीजिएगा, आपको ईजिली फर्क पड़ेगा, ये चीज़ है। बट फिर वही बात आ जाती है कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बॉडी टू बॉडी है, किसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कौन क्या चीज़ें फॉलो कर रहा है। बट एक चीज़ होती है, अगर आप हैवी मील करते हो ना और उसके बाद एकदम से ब्रेक लगाते हो, आप लिक्विड पे आते हो, तो ज़रूर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मतलब आपका वेट लॉस होना तो पक्का है। अच्छा जी एक और चीज़ बिल्कुल पक्की है कि मैं जो है 1 month तक मैं यही डाइट फॉलो करूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं लूँगी। हाँ जो मैंने बोला है कि ऑल्टरनेट हो सकता है कि टर्मरिक मिल्क हो गया, शेक किसी और फ्रूट का हो गया या कोई जूस हो गया, वो ऑल्टरनेट हो सकते हैं, बट मैं जो खाऊंगी जैसे 1 time meal होगा, 1 chapati होगी वही होगी, और जो चपाती थी उसमें कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी जैसे आज मूली और मेथी थी तो कभी गाजर हो गई, कभी कुछ, मतलब उसको ना हमने भर के बनाना है कि भाई उसमें जो है आटा बहुत कम हो और ये सारी हरी सब्जियां या कुछ यू नो ये सब ज़्यादा चीज़ें हों, मिलेट्स आप ले सकते हो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, मैंने तो बिल्कुल ही सिंपल
मैं फॉलो करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा जी, एक और रेजोल्यूशन मैं ले रही हूँ। रेजोल्यूशन तो क्या, ये तो फैक्ट है, मतलब कि अभी मेरा वेट जो है वो काफ़ी मैंने पुट ऑन कर लिया, ऑलमोस्ट 6 to 7 kg पुट ऑन किया है यार। मतलब मेरे को तो सोच के ही डर लग रहा है, इतना कैसे हो गया ये, बट चलो अगर हो गया है तो तभी ओके है। अगर नहीं, मतलब मैं अभी करूँगी तब भी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे शेम आएगी या मैं यू नो फील करूँगी बैड कहीं जाने में। यार मैं जैसी हूँ मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे मैं बहुत पसंद हूँ, और सबको ही ऐसा होना चाहिए। सबको अपना आप जो है बहुत पसंद होना चाहिए। किसी और के यू नो बोलने से या मिरर में देखने से अपना एक मेंटल जो है ना पीस उसको खराब नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, बेटरमेंट के लिए हमें चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अभी मैं जो है वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए, किसी को यू नो फॉलो करने से लगे एक्चुअल में कि चीज़ें कुछ होती हैं। तो अच्छा, ऐसा है कि मैं अपनी रूटीन लाइफ भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और करनी भी चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत है वो मैं बांट रही हूँ, और होपफुली आपके भी ये काम आए। अच्छा, मेरा क्या रेजोल्यूशन था जो मैं बोल रही हूँ कि मेरा वेट जो है मैंने पुट ऑन कर लिया, तो अब मैं विंटर में कोई भी यू नो टॉप्स या कुछ भी ऐसे कपड़े नहीं लेने वाली, जीन्स वेस्टर्न वेयर कुछ नहीं लेने वाली। हाँ, लूँगी ज़रूर, पर जो लूँगी वो होंगे नाइट सूट्स होंगे, पाकिस्तानी वेलवेट के जो सूट चल रहे हैं आजकल बहुत ट्रेंड में है वो ले लूँगी, या हो सकता है जैकेट्स, जैकेट्स मेरे पास बहुत कम है वो मैं ले लूँगी, और वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, कहाँ से लूँगी, कैसे लूँगी, कितने का लूँगी, सेल पे लूँगी, जो भी होगा सब आपके साथ शेयर होगा। अच्छा, अभी ना मैं इतना बोल रही हूँ कि मैं थक चुकी हूँ, बट मुझे ज्ञान बांटना है और मैं बांट रही हूँ। अच्छा चलो, ये तो एक जोक हो गया अलग से। तो जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे को जो चीज़ें चाहिए वो मैं अब कॉन्सनट्रेट करूँगी, रादर देन कि मैं जैसे पहले होता था, मैं कहीं भी जाती थी मुझे कोई टॉप पसंद आ गया, कोई जीन्स पसंद आ गई, कोई और चीज़ पसंद आ गई, शर्ट पसंद आ गई, कुछ सूट पसंद आ गया, मैंने फटाफट ले लेना। अब ऐसा नहीं है, मैं प्रॉपर अपने वेट पे आऊँगी, और मेरा डिज़ायरेबल वेट जो है वो 56 kg to 59 kg है। बहुत यू नो मुझे मेहनत लगेगी इसको पाने में, और जो भी होगा जैसा भी होगा आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चलता ही रहेगा कि मेरा कितना धीरे धीरे हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, सब आपको पता चलेगा जो भी होगा। तो होपफुली आपको मेरी ये वेट लॉस जर्नी पसंद आए, और इसमें मैंने आपको बता भी दिया कि मेरे प्लान्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें लेने के, तो वो भी होपफुली आपको पसंद आए। और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा चैनल को, यू नो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना कि कैसी लगी, और बस सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, और आगे देखिए कि मैं अभी इवनिंग जो नाइट स्नैक बोल रही हूँ जिसको मैं जूस जो है वो क्या है, और उसके बाद वॉक। अच्छा जी, ये सिंपली मेरा पपाया शेक है, इसमें कुछ भी नहीं है, चिया सीड्स कुछ नहीं है, जस्ट मिल्क और पपाया है जो मैंने बनाया है। और जिया सबसे पहले टेस्ट कर रही है, कैसा है, टेस्टी? अच्छा जी, यहाँ मैं वीडियो की एडिटिंग करते हुए अपना पपाया शेक जो है बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, और टाइम हो रहा था 6:30 इवनिंग के, सो दैट ये मेरा लास्ट मील है। इसके बाद अगर मुझे भूख लगती है तो मैं पानी लेती हूँ और कुछ नहीं लेती। बिल्कुल ज़्यादा ही भूख लग गई है तो 2 या 4 बादाम लेती हूँ बस, और कुछ नहीं लेती। हाँ, अगर एक्सट्रीम पे कुछ चला जाए यार तो फिर चीट करना ही पड़ता है, ऐसे तो यू नो ज़िंदगी है, लाइफ है, तो वो करना ही पड़ता है। और अभी आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बट फिर भी डाइट को फॉलो करना है क्योंकि एक बार सोच लिया है तो करना है। इसके बाद आपको मैं और जिया दिखेंगे टहलते हुए, उसके साथ थोड़ा मैं यू नो 15 मिनट की वॉक करती हूँ जस्ट उसके साथ मज़े से, और उसके बाद जो मैं अपनी रेगुलर वॉक करती हूँ जो होती है 20-30 मिनट्स की, तो चलिए आप वो इन्जॉय कीजिए क्लिप। और थैंक यू सो मच इस व्लॉग को देखने के लिए, प्लीज़ अप्रिशिएट करना, थैंक यू। चलो देखो इधर से, देखो मम्मा को चने ओए, चलो आओ, बस ये गेम्स, चलो उधर चलते हैं अभी। नहीं, चल।
मून दिख रहा है, कहाँ है बताओ, कहाँ, कहाँ पर? अच्छा चांद तो बता दे कहाँ है, चांद कहाँ है? मामा तो कर दो, हैंडशेक तो कर लो, ओए बंदर हैंडशेक तो कर लो, अब स्कूल जाने की तैयारी कर लो बस। बोर हो गया, एक बार हो चुका ना जिया के दांत में रखे।